जी हाँ व्यूअर्स, इसको हमने काट लिया, ये देख लें इस तरह से, इसको अब हम इस बॉक्स में डाल देंगे। मैरिनेशन जो आपने बनाई थी आपने वो डाल ली है, आप देख सकते हैं मैरिनेशन लग जाए। ये आपके स्टेक्स होंगे, इसका आप मशरूम स्टेक बना सकते हैं, टेरागोन स्टेक बना सकते हैं, कोई भी स्टेक हो, या आप जो है दूसरा बर्गर्स या सैंडविच के लिए चिकन जो है इसकी जो मैरिनेशन है वो सबकी बेस ये है, ये बेसिक है। और इसको ग्रिल करने के बाद आप इसके ऊपर जो भी चीज़ चाहें वो आप इससे बना सकते हैं। ये देख लें, इसको मैरिनेशन में इस तरह से डिप करके रखना, इतनी मैरिनेशन लगाते हैं कि ये सही से डिप हो जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्यूअर्स। आज हम आपको सिखाएंगे कि ग्रिल चिकन को मैरिनेशन कैसे करते हैं और इसका मैरिनेशन कैसे बनता है। एक शॉर्ट वीडियो में आपको बना के बता दूंगा। इससे चले दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर क्रश चिली ले लेंगे, दो टेबल स्पून क्रश चिली डालेंगे, दो टेबल स्पून हम रेड चिली डालेंगे, दो टेबल स्पून हम वाइट पेपर डालेंगे और एक टेबल स्पून ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर कम डालना क्योंकि इसका कलर जो है ब्लैक है, इस ये उसको आपका जो है मैरिनेशन उसको ज़्यादा ब्लैक करेगा। उसके बाद से एक टेबल स्पून आपने नमक इसमें शामिल करना है और इसी के साथ हमारे पास ये देख लें फ्रेंच मस्टर्ड है। मस्टर्ड जो है हम दो टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे। सब चीज़ें मैं आपको टेबल स्पून के हिसाब से बता दूंगी। ये देख लें, ये सोया सॉस है, मैं आपको दिखा दूँ, ये देख लें सोया सॉस, सोया सॉस आपने इसमें शामिल करना है, चार टेबल स्पून जितना शामिल करना है आपने, चार टेबल स्पून सोया सॉस शामिल करना है। चिली सॉस जो है इसका डबल हम करेंगे, चार टेबल स्पून का, तीन चार पाँच छः सात और ये आठ टेबल स्पून आपका चिली सॉस हो गया। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करेंगे, एक इंग्रेडिएंट्स इसका अभी बाकी है, अब वो इसको एंड में शामिल करेंगे, पहले इन सब को मिलाने के बाद। तो जी हाँ व्यूअर्स, ये देख लें, ये मैरिनेशन जो है, जो मसाले और सॉसेस थे वो हमने इसको मिक्स कर दिए हैं और अभी इसका जो है मेन सॉस लास्ट वाला जो इंग्रेडिएंट्स है वो इसमें ऐड कर लूँगा। यह आधा कप कुकिंग ऑयल है वो इसके अंदर शामिल करेंगे और ये देख लें इसको इस तरह से मिक्स करना है। कुकिंग ऑयल शामिल करके इसको सही से आपने विक्स लगाना है ताकि कुकिंग ऑयल इसमें सही से शामिल हो जाए अच्छी तरह। ये मैरिनेशन हमारी जो है रेडी है। तो चले दोस्तों, इसको अभी हम जो है चिकन को लगा के आपको बताते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, अभी हम इसको काटेंगे चिकन को, फिर इसको मैरिनेशन लगा देंगे। देख सकते हैं ये चिकन का साइज़ जो फ्लेक का है वो 140 से 170 ग्राम तक का है, इससे छोटा है तो आप इसको सिंगल रख सकते हैं थोड़ा सा पाउंड करके, अगर आपके फ्लेक बड़ा है तो आप इसको 1/2 कर ले इस तरह से। ये दो आपके फ्ले निकल गए, ये बड़े साइज़ के फ्ले से आपने अगर 140 से 170 या 200 ग्राम तक के हैं तो आप उसको जो है इस तरह कर सकते हैं। ये देख लें, जी हाँ व्यूअर्स, इसको हमने काट लिया, ये देख लें इस तरह से, इसको अब हम इस बॉक्स में डाल देंगे। आप कोई से भी कंटेनर जिसके अंदर आप चिकन को रखना चाहते हैं या किसी बॉल के अंदर, तो उसके अंदर मैरिनेशन जो आपने बनाई थी आपने वो डाल ली है। आप देख सकते हैं मैरिनेशन इतनी डाले कि वो चिकन को सही से जो है वो मैरिनेशन लग जाए। ये आपके स्टेक्स होंगे, इसका आप मशरूम स्टेक बना सकते हैं, टेरागोन स्टेक बना सकते हैं, कोई भी स्टेक हो, या आप जो है दूसरा बर्गर्स या सैंडविच के लिए चिकन जो है इसकी जो मैरिनेशन है वो सबकी बेस ये है, ये बेसिक है। और इसको ग्रिल करने के बाद आप इसके ऊपर जो भी चीज़ चाहें वो आप इससे बना सकते हैं। ये देख लें, इसको मैरिनेशन में इस तरह से डिप करके रखना, इतनी मैरिनेशन लगाते हैं कि ये सही से डिप हो जाए। तो जी हाँ व्यूअर्स, ये है आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक, आपने कहा था कि हमें ग्रिल चिकन को मैरिनेशन कैसे करते हैं, स्टेक्स को मैरिनेशन कैसे करते हैं वो सिखा दे, तो आपकी ये रेसिपी तैयार है। उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरे नए आने वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।